हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए चित्रक कितना ब्यूटीफुली खिल रहा है, बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं और इतनी ढेर सारी ये कलियाँ, सब कलियाँ आई हुई हैं, बहुत ढेर सारी। और लास्ट ईयर मैंने अपना ये प्लांट यहाँ पर रखा था, सर्दियों में इसके नीचे इस बालकनी में रखा था, इस बालकनी पे था। इस बार मैंने यहाँ पे ही रहने दिया है, तो ये देखिए कितने अच्छे से चल रहा है, फ्लावरिंग बहुत हो रही है। और लास्ट टाइम एडेनियम के साथ में मैंने रख दिया था कि इसे फोक वगैरह नहीं चाहिए होता है, फोक से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये नीचे रख दिया। तो बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, मगर इस बार इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं रही, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये विंटर को भी टॉलरेट कर लेता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, पूरे साल थोड़े थोड़े फूल जैसे एक आध गुच्छा ऐसे खिलता रहा था सर्दियों में भी, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ था इस जगह पर, क्योंकि धूप यहाँ पर अच्छी खासी लगती है, विंटर में भी धूप अच्छी आती है। तो केवल 15-20 दिन के लिए डोरमेंसी हुआ था, मगर फिर भी इसकी पत्तियाँ ग्रीन रही थी, बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ख़राब नहीं हुआ था, 2-4 पत्तियाँ इस तरह की हो गई थी। और अब ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं, तो फ्लेमंगो भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। और ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, हर एक ब्रांच पे फूल खिल रहे हैं, हर एक ब्रांच पे कलियाँ आई हुई हैं, देखिए आप, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ज़्यादा जगह दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है इसकी, बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है, तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। फ़िलहाल अभी तक मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई है, मगर ये कटिंग से ज़रूर ग्रो हो जाता होगा। और इसमें मैं इस बार एयर लेयरिंग करने की सोच रही हूँ, एयर लेयरिंग कर दूँगी तो हो सकता है इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाए, एयर लेयरिंग, या फिर मैं ग्राउंड लेयरिंग भी कर दूँगी, जिससे कि ये न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आपने पता होगा, आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि एयर लेयरिंग क्या चीज़ होती है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एयर लेयरिंग करें या इसकी कटिंग लगाएं, तो हो सकता है कटिंग से भी चल जाए, पर मैंने अभी ट्राई नहीं किया है कटिंग वगैरह से। इसमें मुझे लग रहा है कुछ लग रहा है कीट वगैरह, ये देखिए स्प्रे करना पड़ेगा, आज मैंने देखा ध्यान से वीडियो बनाते टाइम, ये देखिए है वाइट वाइट पत्तियाँ हो रही हैं, जालीदार पत्तियाँ हो रही हैं, ये देखिए ये इस तरह की पत्तियाँ हो रही हैं, पता नहीं आपके कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखिए इस तरह की पत्तियाँ हो रही हैं। तो इसका मतलब हुआ इसमें कोई कीट वगैरह लग रहा है जो इसके पत्तों को ख़राब कर रहा है, तो मैं आज ही स्प्रे करूँगी शाम को। याद रखिए कभी भी पेस्टिसाइड डालें तो मॉर्निंग में मत डालिएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होता है वो बहुत गर्म होता है, आपके प्लांट को भी हार्म कर देगा। और फिलहाल तो मैं इसकी इन पत्तियों को निकाल दे रही हूँ, निकाल करके मिट्टी में दबा दूँगी या जला दूँगी, जिससे कि और प्लांट में ना फैले। एक ही ब्रांच में मुझे दिखा है, अदरवाइज़ और किसी ब्रांच में मुझे नहीं दिख रहा है, इसी पे दिखा है, जिसकी इनकी पत्तियों को हटा देती हूँ मैं। और शाम को मैं स्प्रे करूँगी, और बहुत सुंदर लग रहा है इसमें, देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, इसमें नीचे मैंने प्लेट भी लगा रखी है, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी निकले तो इसी में प्लेट में इकट्ठा हो, और फिर इसे दोबारा ये फिर से ले ले। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा, बहुत अच्छी सी ग्रोथ करेगा। और फ्लावरिंग तो बस इसका कलर ही लेवेंडर कलर टाइप का होता है, बहुत प्यारा लगता है, लाइट पर्पल, इससे वाइट भी आता है, रेड भी आता है, फिलहाल मेरे पास यही है। मैं ट्राई करूँगी, कभी बरेली जाऊँगी फिर से तो मैं वहाँ देखूँगी रेड, ये भी मैं बरेली से ही लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सितारगंज में नहीं मिलता है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा रेयर प्लांट जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं, सारे मैं ज़्यादातर बरेली से ही लेके आती हूँ। इस बात के लिए मेरी डांट भी पड़ती है, मम्मी वगैरह भी डांटती हैं कि तू इतने प्लांट का क्या करेगी, मगर जब प्लांट देखती हूँ ना तो लालच आ जाता है, रुक नहीं पाती हूँ, बस फट से ख़रीद लेती हूँ। ये मैंने 120 का लिया था वहाँ से, जैसे मैं एक बार सावनी लेके आई थी, उसका तो मैंने वीडियो भी डाला है, छोटा सा वीडियो रील डाली है, तो आप उसमें देख सकते हैं, रेड कलर की सावनी है, रेड नहीं वो दो कलर में है, ट्विन वन है, तो वो बहुत अच्छा लगता है सावनी, उसमें भी अब ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक बार सॉलिड खाद अभी दी थी फरवरी में, जो भी परमानेंट प्लांट है उनमें से भी मैं धीरे धीरे मैं खाद देती जा रही हूँ। तो इसमें मैंने फरवरी में खाद ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं बचा है, देखिए आप गुलाई वगैरह करने का इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही डाल दी थी गोबर की खाद, ये सारी गोबर की खाद ही है, ये देखिए ये सब गोबर की खाद है, तो मैंने ऐसे ही जस्ट ऐसे ही डाल दी थी, तो उसका भी असर कह सकते हैं।
मौसम का असर तो होता ही है प्लांट पे। आप अगर मौसम नहीं होगा तो आप चाहे कितनी खाद डालें, चाहे कितनी केयर करें, बट वो फूल नहीं देगा। ये नेचर का रूल है। जब आपके सीजन होगा आपके प्लांट में फ्लावरिंग का, तभी फूल आएंगे, अदरवाइज़ फूल नहीं आएंगे। तो अभी तो स्प्रिंग सीजन है, तो इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे नवंबर में विंटर फ्लावर प्लांट भी खिल रहे थे, समर फ्लावर प्लांट भी खिल रहे थे, ऐसे इस टाइम पे समर और विंटर सभी खिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन। ये देखिए मेरी लैंटाना भी कितनी अच्छी खिल रही है, बहुत ढेर सारी फूल आए हुए हैं उसमें, पूरा छोटे से पॉट में लगा हुआ पूरा भरा हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है येलो कलर का। इसमें मैं पर्पल भी लेके आऊँगी, लेवेंडर कलर मिलता है वो भी लेके आऊँगी खरीद के, तो उधर बरेली जाऊँगी तो ज़रूर लेके आऊँगी। और बहुत सुंदर लग रहा है, तो आपके गार्डन को बिल्कुल फूलों से भर देगा ये चित्रक प्लांट, आप ज़रूर इसे लगाइएगा। और साथ में ये देखिए लास्ट पर, ये भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है इसे, कुछ कुछ सेम सेम से फूल लग रहे हैं इसके और इसके पर। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके फूल। आप लिक्विड फर्टाइजर दीजिए, फुल सन में रखिए, फुल सन का प्लांट है। अगर आप टेरिस गार्डनिंग करते हैं तो इतनी तेज़ गर्मी में रखने के लिए ये प्लांट्स बहुत अच्छा है। जैसे हरशंगार है, ये सीजनल प्लांट ही होता है, इसमें टाइम से ही फूल आते हैं, पर इसमें हर समय फूल आते रहते हैं। इवन विंटर में भी थोड़े थोड़े फूल आते रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इनके सीड भी प्रोपगेशन होता है, सीड से प्रोपगेशन कर सकते हैं। जैसे अभी डेड हो गए हैं, स्पेंड हो गए हैं जो फ्लावर, तो इनके अंदर सीड निकलेंगे। आप जब इसे निकालेंगे तो अभी तो ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब इसके अंदर आपके जो ये जैसे बर्बीना में नहीं होते उस टाइप से इसमें सीड निकलेंगे। तो आप सीड से प्रोपोगेशन कर सकते हैं इसका, कटिंग से प्रोपोगेशन कर सकते हैं इसका, एयर लेयरिंग और एयर लेयर आराम से इन सबसे आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नर्सरी वाले भी ज़्यादातर कटिंग से लगाते हैं, 6 इंच की कटिंग लीजिएगा, जैसे इतनी बड़ी कटिंग लीजिए, पत्ते और फ्लावर्स हटा दीजिएगा और इसे मिट्टी में लगा दीजिएगा, सैंडी सॉइल में, और ये आराम से चल जाएगा। गमले में लगा रहे हैं आप चित्र प्लांट तो सैंडी सॉइल ही रखिएगा बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं, आपको मैंने दिखाया भी, ये देखिए मैं हाथ से इसे उठा ले रही हूँ मिट्टी को, ये देखिए इतनी सैंडी सॉइल होती है मेरे यहाँ कि इसमें आराम से इसकी रूट सर्वाइव कर जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी या पीली मिट्टी डाल देंगे तो उसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी रूट नहीं फैल पाएंगी। देखिए कितना काफ़ी एरिया में फैल गया, 14 इंच के हिसाब से काफ़ी स्पेस इसने घेर लिया, इधर से यहाँ तक वहाँ तक सब में हो गया है ये, और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।